दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार इस समय प्राची को किडनैप कर लिया गया है, और प्राची को उसी समय किडनैप किया गया था कि जब वहां पर रणबीर भी मौजूद होते हैं, लेकिन दोस्तों रणबीर इस चीज़ में कुछ भी नहीं कर पाए। और आगे में दोस्तों रणबीर के हालांकि किसी भी तरीका से कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ इस तरीका से क्रिएट की गई थी। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हालांकि इस समय सभी लोग बेहद ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब जो एक नया चीज़ देखने को मिलने वाली है वो बहुत ही हटकर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जहाँ पर सभी लोग बोलते हुए नज़र आएंगे कि हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि कुछ इस तरीका से भी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय मनमीत की बात बात की जाए रणबीर की, तो रणबीर बोलता हुआ नज़र आएगा कि आखिरकार प्राची का किडनैप कौन कर सकता है, क्योंकि दोस्तों प्राची के किडनैप के पीछे कोई और शख्स शामिल नहीं है, बल्कि इस समय खुद आलिया ही मौजूद है। क्योंकि आलिया बुआ जी इस समय ऐसे ऐसे गेम खिलवाती हुई नज़र आ रही है कि जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। आप लोग जानते ही हैं कि लगातार कहानी में एक से बढ़कर एक एक नए नए ट्विस्ट भी देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। जहां पर बात की जाए इस समय कहानी की, तो कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। क्योंकि बात की जाए खुशी की, तो खुशी बोलती हुई नज़र आने वाली है कि अगर किसी भी तरीका से मेरी मॉम को कुछ हुआ तो मैं बहुत कुछ करूंगी, क्योंकि दोस्तों वो छोटी सी बच्ची है। लेकिन रणवीर ने भी उसे बोल दिया है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अब आखिरकार प्राची को सही सलामत वापसी लेकर आएगा, ये खुद इस चीज़ का वादा भी किया है। क्योंकि इस चीज़ का खुद रणवीर ने वादा किया है कि मैं तुम्हारी मॉम को सही सलामत लाऊंगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि प्राची को मारने के लिए कोई इतनी गहरी साजिश रच सकता है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि इस समय प्राची को मारने की इतनी गहरी साजिश रची जा रही है।